हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशन शब्द। माय डियर एस्पिरेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो कि 12th of October को एग्जाम्स में, एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम्स में आईबीपीएस पीओ के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। जिनका भी एग्जाम्स 19th of October को हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपका एग्जाम्स हो गया है तो प्लीज, जिनका एग्जाम्स 19th of October को है तो प्लीज ये वीडियो सेंड कीजिएगा उनके तक क्वेश्चन पहुँचने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ताकि वह भी अच्छे लेवल पर देख सकें। ओके, अच्छे क्वेश्चन से अर्थमेटिक और पोर्शन से मैंने सारा इंक्लूड, एक तरह से पूरा कलेक्शन इसी के बेसिस में रखा है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बने रहेगा। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल है विद ऑप्शन के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक तरह से कह सकते हैं कोशिश कीजिएगा। ईजी लेवल पर क्वेश्चन से ज़्यादा इतना टफ लेवल पर नहीं है, अगर आपने मेरे सारे क्वेश्चन फॉलो किए हैं तो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल्स तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मोस्ट ऑफ वीडियोस अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस रिसीव हो जाए। ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड्स, एमटीपीसी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एफसीआई हो, किसी भी हो, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस सेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पार्टनरशिप से बेसिस पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप विद इन 15 to 20 seconds में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि 80 questions तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी सीरीज पे। 1 to 80 questions अगर आपको पीडीएफ चाहिए, माई डियर स्टूडेंट्स, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जो 12th of October का एग्जाम हुआ। पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, सर पीडीएफ चाहिए, मैं उसके सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपके पीडीएफ लगवा दूंगा। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। Two persons A and B start a business with investment. Sorry for that, with investment of 6,000 and 9,000 respectively. And they invest for the durations in the ratio 5:3. यानी कि time भी given है और अपने पास capitals भी given है. Profit भी अपने पास given है 4,370. Then what is the share of the profit of A? Right? A का अपने पास share पूछा है. देखिए बहुत ही easy question है. 6,000, right? अपन ए, यहाँ पर ए रेशियो बी, बिल्कुल बेसिक से अपन चलेंगे ताकि आपका सॉल्व भी क्वेश्चंस इजीली हो सके। इससे बेसिस पे थोड़ा टफ भी पूछे तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। देखिए 6,000 रुपये क्रमश 9,000 रुपये, राइट। 6,000 इट मीन 6 अपन लिख सकते हैं, 9 का 9 लिख सकते हैं क्योंकि 3 0 3 0 ऐसे ही आपके निकल जाएंगे, राइट। ये 3 0 से 3 0 वे 5 रेशियो में अनुपात अवधि में, तो ये 5, ये 5, ये 3 times, राइट राइट, ये 3 times है। ओके, यदि कुल लाभ तो अपने पास मालूम, ये अपने पास प्रॉफिट एक तरह से आ जाएगा, राइट। तो देखिए 3 से ये 2 times गया, या 5 2 10 और 9 1 9 9 से 9, राइट। तो इज इक्वल टू 19 की अपने पास वैल्यू क्यों है ना प्रॉफिट की, 4,370, राइट। 4,370, तो 19 से 2 times ये जा रहा है, एब्सोल्युटली कवर हो रहा है, 2 times ये जा रहा है, 38 5 रहा 9 3 times, राइट। 230, राइट, 230। अब अपने को क्वेश्चंस पूछा है, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, ए का शेयर पूछा है अपने 10, तो ए की वैल्यू 10 है, तो 230 इंटू 10, राइट, 230 into 10 यानी कि 2,300 इज द करेक्ट, राइट। इट मीन्स 2,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें भी पूछे आपको बी का पूछे, तो बी का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 23 into 9, तो 23 into 2 9, 2,207 यानी कि 2,070। ओके, आई होप सो गाइस क्लियर हो रहा होगा। इसका आंसर 81 का सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगर समझ में आया क्वेश्चंस तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते थे। टाइम अपने पास, टाइम को आइडेंटिफिकेशन करके प्रॉफिट भी देख लेगा, एक एक क्वेश्चन का आपको टाइम्स नहीं देगा, इससे ज़्यादा टफ आपको नहीं पूछेगा, राइट।
नेक्स्ट देखिए देखिए और क्या पूछ सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए या तो ये टाइम्स अपने पास गिवन है, टाइम्स कैपिटल्स, एंड देन एक टाइम्स गिवन है, ये एक टाइम्स नहीं देगा, अपने को एक्स मान के इसका सॉल्व करना पड़ेगा, एंड देन प्रॉफिट भी अपने पास गिवन होगा, तो ये क्वेश्चन भी दे सकता है, राइट? इससे टफ नहीं होगा। देखिए 82 इज रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 years ago द रेशियो इज एंड बी इज 5:3, राइट? द सम ऑफ द परसेंटेज ए एंड बी एंड सी इज 80 years, इफ सी परसेंटेज इज इक्वल टू द सम ऑफ परसेंटेज बी ए एंड बी, राइट? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए? ए की परसेंटेज पूछिए। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, 4 साल पहले। क्वेश्चंस की अगर आप लैंग्वेज जल्दी से ऑब्जर्व एक तरह से समझ पाते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, रीड आउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी आपकी लैंग्वेज समझने की पावर एबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, राइट? 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था, इट मीन्स टोटल्स आपका 8 हुआ, राइट? टोटल्स अनुपात का रेशियो टोटल्स 8 हुआ 4 साल पहले, यानी कि 4 साल पहले का पूछा है तो अपने पास प्रेजेंट आएगी, उसमें से 8 साल अपन लेस कर देंगे, राइट? ए और बी और सी की वर्तमान आयु का योग अपने पास गिवन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन का सॉल्व एक तरह से बेस्ट पार्ट है, ए प्लस बी प्लस सी अपने पास गिवन है 80 ईयर्स, राइट? 80 ईयर्स। यदि सी की वर्तमान आयु, इट मीन्स इफ सी की प्रेजेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट इज ए एंड बी, राइट? अब देखिए क्वेश्चंस कह रहा है, राइट? क्वेश्चंस कह रहा है सी बराबर ए प्लस बी, राइट? ए प्लस बी, राइट? सी इज इक्वल टू या ए प्लस बी बराबर सी, आप कुछ भी कह सकते हैं, आयु बराबर है, इट मीन्स योग के बराबर है, तो ए प्लस बी का अपने पास गिवन है, राइट? तो अपन इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 2ab, राइट? क्योंकि 2 टाइम्स हो गया ना, ए प्लस बी और सी की वैल्यू भी यहाँ पर अपन सी की सी को निकाल के, राइट, सी को निकाल के ए प्लस बी रख देते, तो 2ab अपने पास बना ना, तो 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 80, राइट? तो ए प्लस बी अपने पास आया 40, राइट? 2 से 40 टाइम, इसका हाफ 40 होता है, तो ओके देखिए, एंड देन 40 अपने पास गिवन है, तो ये दिस इज द परसेंटेज, राइट? अपने पास दे रखी 4 साल ई का रेशियो दे रहे, 4 साल ए की 4 साल और बी की भी 4 साल, तो 4 + 4 8 ईयर, तो इट मीन्स 8 ईयर अपन माइनस कर देंगे, तो देन बिकम्स अपने पास 4 साल पहले की एज आ गई 32, राइट? 32 अपने पास पहले 4 साल पहले की एज आ जाएगी। अपने पास ए की वर्तमान पूछिए, तो अपन वर्तमान पूछिएगा तो 4 साल वापस अपन इसमें ऐड कर देंगे। 5:3 दे रखा है, तो 5:3 इट मीन्स 8 की वैल्यू 32 है, तो 8 4 8 4 32, राइट? अब 5 गिवन है 5:3, राइट? 5:3 तो इजिकल टू 4 5 20, राइट? एंड 4 3 12, राइट? तो 4 5 20 प्लस 20 प्लस आपके 4 ऐड होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस पूछिए, 4 अपन ने लेस किया था, तो देन बिकम्स आंसर विल बिकम 24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? 24 सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो गाइस क्लियर हो रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन था इस रिलेटेड, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, प्लस माइनस की, प्लस कौन सी एज पहले कौन सी एज बाद में रहनी, क्या एड सीज करनी है, तो उसके लिए एक तरह से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है, क्वेश्चन एग्जाम्स में टाइम लग सकता है, अदरवाइज अब करके ले जाएंगे विद इन 15 सेकेंड्स में, राइट? मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए 2 पाइप ए एंड बी, इट मीन्स 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 6 hours एंड 9 hours, राइट? रेस्पेक्टिवली पाइप सी कैन एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक 12 hours, इट मीन्स पाइप सी है जो हाफ ऑफ द टैंक यानी कि आधा टैंक खाली कर सकता है 12 घंटे में, तो इट मीन्स पूरा टैंक खाली करने में 24 hours, राइट? कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करते चलिए। यदि सभी पाइप यानी कि तीनों पाइप ए बी एंड सी, राइट, एक साथ खोला जाता है, तो इट मीन्स इफ ऑल 3 पाइप्स ए एंड बी आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो टैंक हाउ लॉन्ग सो वुड टेक टू फिल 3/4 ऑफ द टैंक, यानी कि तो टैंक का 3/4 पाइप भरने में कितना समय लगेगा, व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या लगेगा एग्जैक्ट 3/4 टैंक को भरने में। देखिए पहले टैंक की कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता क्या है टैंक की, देखिए ए बी सी, राइट, ए एंड बी एंड सी, राइट? तो ए अपने पास 6 है, राइट, बी अपने पास 9 है,
राइट एंड सी अपने पास, मैंने अभी बताया था 12 आवर्स में आधा आधा, ये जिसने सही ढंग से नहीं पढ़ा, जिसको आदत होती है कि 6 आवर्स 9 आवर्स एंड खाली करता है बस इतना ही देखा, तो बहुत कुछ से क्वेश्चंस बहुत रॉन्ग हो सकता है, कन्फ्यूज में वो टाइम भी कंज्यूम होगा राइट। सी 12 घंटे में तो अपने पास 24 आवर्स में पूरा भरेगा, 12 घंटे में आधा तो 24 आवर्स में पूरा राइट। व्हाट इज द एलसीएम्स, एलसीएम लेने का बेस्ट पार्ट 24 का डबल 48, 48 9 का पार्ट नहीं है, तो 48 24 का 3 टाइम्स 72, 72 एग्जैक्टली 9 का पार्ट भी और 6 का पार्ट भी है राइट। 6 × 12 = 72, 9 × 8 = 72 राइट, 24 × 3 = आपकी 72 राइट, 12 और 8 20 - 3 = 17, 17 राइट। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपके इफिशियंसी, एक तरह से कह सकते हैं इफिशियंसी की टोटल है, यानी कि 1 आवर्स में इतना समय लगता है, 1 आवर्स में 17 लीटर तीनों पाइप मिलकर भरते हैं यूनिट्स राइट। अब देखिए क्वेश्चन कहता है 3/4 यूनिट, यानी कि 72 अपने पास कैपेसिटी है, इसकी 3/4 है, यानी कि 3/4 एंड देन से 1/17, यानी कि 17 तो अपने पास इफिशियंसी एक तरह से कह सकते हैं 1 यूनिट बढ़ता ही है, तो 17/1 आएगा ओके। अब देखिए 4 से ये सीधा सीधा 4 से ये एकदम से एग्जैक्टली कट, एक तरह से एग्जैक्टली जाना है 17/16 राइट, 4 बन जाए 4 एंड 3 टाइम्स राइट एंड 3 3 रिमाइनिंग रहा, तो 8 4 जा 8 4 जा 32 राइट, 8 4 जा 32 18 राइट, 18 3 जा 18 18 18 3 जा राइट 54 राइट, 54/17 राइट अपॉन 17, तो 17 3 = 51, 51 + 3 यानी कि अपॉन 7 राइट, 3 से ही 3/17 राइट। तो इट मीन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 83 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है किस बेसिस पे, क्योंकि एग्जामिनर लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, जिसने ध्यान से पढ़ा केयरफुली होके पढ़ा रीड किया तो 100% वो सॉल्व करके ले जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैंचुरेशंस के बेस पे क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है, लेंथ अपने पास गिवन से 4:7, लेंथ एंड ब्रेथ राइट 4:7 ये ब्रेथ है ओके, लंबाई और चौड़ाई, इफ पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ आयत का पैरामीटर, यानी कि आयत का आयतन, आयतन अपने पास आयतन का सूत्र है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई राइट, L × L+ breadth राइट। अपने पास गिवन है 88, फाइंड द एरिया, यानी कि अपने पास क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल अपने पास गिवन होता है एरिया इज इक्वल टू L × B, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, अपने पास दोनों ही गिवन नहीं है, रेशियो में गिवन है, तो अपन 4x में बेसिस पे निकालेंगे। देखिए 2 × L+ B, L अपने पास गिवन है 4 4:7 इज इक्वल टू 88 राइट, 4x ले लीजिए आप, x के बेसिस पे कोशिश कीजिए, 4x + 7x यानी कि 11 11 2 जो 22 राइट, 22x = 88 88 एंड 22 4 टाइम्स राइट, तो x = 4 x = 4, तो 4 अपने पास गिवन आया, तो x की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट हुई, तो 4x की वैल्यू 16, 4x × 4 राइट, तो 7 × 4 = 28 28 राइट। अब 28 से 16 की मल्टीपल करनी है, तो 16 16 × 3 टाइम्स की 48 480 एंड इसमें से 2 रिमेनिंग 2 लेस है, इसको मैंने माना 30 - 2 राइट, ये क्वेश्चन हुआ एंड 30 से मल्टीप्लीकेशन किया, बोला 16 × 3 यानी कि 480 एंड -2 यानी कि 16 × 2 - 32, 32 इसमें से लेस कर दीजिए, देन आंसर विल बी कम 2 8 8 एंड 9 एंड आपकी 7 7 - 3 4 एंड 4 आपके गिवन राइट, तो देन आंसर विल बी कम बी इज द करेक्ट आंसर 448 सेंटीमीटर्स वर्ग, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट रिलेटेड है और अगर आपके फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर है। आई होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, एनी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो आपके पास भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा ओके, थैंक यू सो मच,
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल्स को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके माय डियर एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज 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 हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। मैं आपके लिए तफट करता हूँ, क्वेश्चंस टाइप करता हूँ हिंदी में आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, ऑप्शंस क्रिएट करता हूँ। तो प्लीज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेशंस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।